जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ी भाका के नंबर वन बुलेटिन हमर बानी हमर गोट और मैं हूँ आपके संग सृष्टि पांडे। तो बुलेटिन के शुरुआत कर वो पहली हेडलाइंस के साथ। राजधानी रायपुर में 1 नवंबर के मनाए गए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 21 संग 12 11 हजार दिया कार्यक्रम में शामिल हो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सूरजपुर दोहरा हत्याकांड मामला में आरक्षक तालीब। और सबले पहली आप मनला रायपुर ले बड़े खबर बता दन। जी हां, पंडरी में भीषण आग लग गए। ज्वेलर्स और फर्नीचर के दुकान में आग लगे है। पास में गद्दे के गोदाम घलों में आग लग गई। दमकल के टीम हा मुश्किल ले आग में काबू पाए है। आग ले करोड़ों के नुकसान के आशंका जताए जाते है। कोखरो हताहत होए के कोई खबर नहीं मिले है। तो रायपुर ले बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। जी हाँ, पंडरी में भीषण आग लग गए। ज्वेलर्स और फर्नीचर के दुकान में आग लगे है। पास के गद्दा के दुकान घलो हा एकर चपेट में आ गए। दमकल के टीम मौके में पहुंचीस और मुश्किल ले आग ऊपर काबू पाईस। करोड़ों के नुकसान के आशंका जताए जाते। कोखरो हताहत होए के कोई खबर नहीं है। अब राजधानी बिलासपुर ले आप मन ला बड़े खबर बताथन। जी हाँ, गोदाम में भीषण आगी लग गए और ट्रांसपोर्ट के कबाड़ गोदाम में आगी लगे है। आगी लगे ले सबो फर्नीचर जल के खाक हो गए। मौका में दमकल के टीम हा आग ला बुझा दे है। बिलासपुर के सनिचरी बाजार के एक घटना बताए जात है। तो बिलासपुर ले बड़े खबर, गोदाम में भीषण आगी लग गए। सनिचरी बाजार के घटना बताए जात है। फर्नीचर पूरा जल के खाक हो गए है। मौका में दमकल की टीम हा आग में काबू पा ले है। हालांकि जतका फर्नीचर वहां रखे रही से पूरा जल के खाक हो गए है। सनिचरी बाजार के घटना बताए जाते। तरह ले बड़ी खबर आप मन ला बतावत हन। जी हाँ, दामाखेड़ा आश्रम ऊपर हमला हो गए है। प्रकाश मुनि के बेटा उदित मुनिनान साहेब ऊपर हमला हुए है। सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप है। पुलिस आज 4 आरोपी मन ला हिरासत में ले है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा यहाँ पहुंची सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटनाएं। तब एमी तरह ले बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। जी हाँ, दामाखेड़ा आश्रम में हमला हो गए। प्रकाश मुनि के लड़का उदित मुनिनान साहेब ऊपर हमला हुए है। सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप लगे है। पुलिस हा 4 जन आरोपी ला हिरासत में ले लगे है। और गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पहुंची दामाखेड़ा आश्रम ऊपर हमला हुए है। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटना आप मन ला बतावत हन। सरपंच के परिवार ऊपर हमला के आरोप लगाए गए है। सूरजपुर ले बड़े खबर है, दामाखेड़ा आश्रम में हमला हो गए। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के घटना आप मनला बतावत हन। दामाखेड़ा आश्रम ऊपर हमला हुए है। एमा ज्यादा जानकारी पर हमर सहयोगी मोहन पटेल जुड़ गए है। मोहन, काबर हमला हुए है, एकर का जानकारी मिल पाते और अभी स्थिति कैसे बनी हुई है? पूरा मामला जो है सिमगा तहसील के दामाखेड़ा के है। और यह जो बीते देर रात में जो घटना हुई है कि सरपंच महिला सरपंच के पति जो है अपन कुछ साथी मना लेके परिवार जना लेके वहाँ आश्रम में गाली गलौज और फटाका फेंक के गाली गलौज करे है। और जो प्रकाश मुनि नाम साहेब है जो वो कबीर पंथ के गुरु है और जेखर वंशज है उदित नाम साहेब जेखर ऊपर कसा कसी करे है, गाली गलौज करे है। देर रात में जो है वो फटाका में दिवाली के अवसर में वो अपन धर्म नगरी के कबीर धाम में जो धमाखेड़ है वहां निकले रही से और वो देखी से कि कहीं कहीं जो मांस मदिरा जो है अंडा वंडा का सेवन करत देखी से तो कुछ लोग ला वो बोली से कि ये हमर कबीर पंथ में ये ठीक नहीं है। ऐसे कुछ बात लेके वहां पे बयान हुई से जिमे वो सरपंच के जो तरफ के जो
लोग है वो ओकर ऊपर आक्रोशित बात करे से कि ये बोले के का जरूरत है, ऐसे बात लेके विवाद हो से, और ओकर कारण ये रात में सरपंच के द्वारा ये बताया जाते कि वहाँ जो कबीर पंथ के लोग है जो ये बतावा थे कि सरपंच के लोग है जो यहाँ हमला करी से, गाली गलौज करी से, पटाखा फेंके है आश्रम के अंदर, गंदा गंदा बात करे, कुछ बात भी सामने आ रही से कि 10 लाख जो है सांस्कृतिक विभाग से आ रही से, वो पैसा ला वो सांस्कृतिक विभाग के बाद पैसा ऐसे दे ला वो खर्चा वर्चा नहीं करे, तो धर्मनगरी के लिए वो आ रही से वो पैसा ला दबा के रखे, ये बात की चर्चा रही से, ये बात से कबीर पंथ के लोग मन जिन है नाराज रही से, तो कहीं ना कहीं ये सब बात ला लेके जो सरपंच पति है वो आक्रोश नजर आई से, वो ये सब मुद्दा ला लेके रात में अपन आदमी ला लेके आश्रम ऊपर कसा कसी करी से, गाली गलौज करी से, फटाका फेंक के दुर्व्यवहार करे हवे। जी मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर। और गरिया बन ले आप मन ला एक आऊ आगी लगे के खबर बतातन, जी हाँ, किराना दुकान मा आग लग के, दिवाली पूजा बर दिया रखे रही है जेखर ले आग लगे है, लाखों के सामान जल के खाक हो है, खर आशंका जताए जाते, आगी ऊपर काबू पा ले गए है, छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी पानी के घटना बताए जाते। तो लगातार आगी लगे के खबर आप मन तक पहुंचावत हन, और गरिया बंदले बड़े खबर है, जी हाँ, किराना दुकान में आग लग गए, चूरा इलाका के पंडरी पानी के घटना बताए जाते। 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस में नवा रायपुर के एकात्म पथ में 11,000 दियाला प्रज्वलित करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो रही से, सीएम हा दिया जला के प्रदेशवासी ला राज्य स्थापना दिवस के बधाई दिन। ए दौरान सीएम हा स्व सहायता समूह के महिला मनला दिवाली के बधाई दिन और उपहार घलो भेंट करें। दीपोत्सव में जमकर आतिशबाजी भी करेगी, जेखर आनंद दीपोत्सव देखे बर सैकड़ों ग्रामीण वहां पहुंचे रही ने। भिलाई ले बड़का खबर आप मन ला बता दन, सेक्टर 2 बिल्डिंग मा आगी लग गए, 5 ठन गाड़ी और 2 बाइक जर के खाक हो गए। बिल्डिंग के क्वार्टर तक आगे पहुंच गए, मौका में दमकल के टीम पहुंची, घटना के पुलिस जांच कर रहे थे। तो भिलाई ले बड़े खबर, जी हाँ, आगे लग गए, 5 गाड़ी और 2 फटफटी जर के खाक हो गए है। बिल्डिंग के क्वार्टर तक आगे पहुंचे दमकल के टीम, आगे बुझाए की कोशिश में पहुंचे में लगे है। अब पुलिस घटना के जांच कर रहे थे। रायपुर ले सटे सकरी गांव में बीते रात जम के बवाल हुए है, शराब पी के जुआ खेले के बाद गाली गलौच ले विवाद हा शुरू हुई। एकर बाद 2 पक्ष में हा एक दूसर के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिन। ए हमला में दोनों ही पक्ष के करीब 0.5 दर्जन लोग मन गंभीर रूप ले घायल हुए है, जिनला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। घटना के बाद गांव में तनाव के माहौल बने रही से, मौका के जायजा लीस हमार संवाददाता है। सकरी गांव में मौजूद हैं, राजधानी रायपुर से सटे नरदहा के पास में एक गांव है और बीती रात यहां पर बवाल हुआ है, 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और दोनों ही पक्षों के लोग घायल हैं। ये सामने देखिए, अभी भी इनके ये जो तस्वीर है, ये शर्ट में खून है, ये सामने में चोट के निशान है और इनको भी चोट लगी है, ये सामने लड़के हैं, इनको भी चोट लगी है। कौन है, क्या मामला हुआ था, ये देखिए, यहाँ पे भी टाके लगे हैं और ये सर पे फूटा है और सर पे ये 5 टाके लगे हैं, 4 टाके लगे हैं, वो साथ में दिख रहे हैं। ये जो बातचीत करते हैं, कब की घटना थी, क्या हुआ था, कौन लोग आए थे, मारे क्या, कल मारा है, कैसे, क्या घटना हुई थी, पूरा बताओ। नहीं मालूम है, सो रहे दोनों मारी से तारा ला हवाई से भगा भग मारी से ओकर बाद उठ से का पाजा थी सिखी के तो मोर ऊपर जे पेट के तकर हाथ उठले लागे है, एक कमाल हम पड़े हैं तो चले नहीं सकन, अति जरा मिल जा बचाने के लिए, तो आपको भी मार लेते। हां वहीं पर मारना। कौन 2 पक्ष थे जो आपस में लड़ रहे थे, लोग कौन कौन, इसको नाम लो सर, वहां तो इतना आदमी था कोई गिनती ही नहीं था, 50-100 वो था, 20-30 अपने डहर के लड़का था। तोड़फोड़ की है, आगजनी की कोशिश की है और दोनों ही तरफ से लोग घायल हैं, लोगों को चोट लगी है। अब जो समाज के प्रमुख लोग हैं वो शांति स्थापित करने की, बीच बचाव करने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।
एकरे साथे बुलेटिन मत का ही देश प्रदेश के जम्मो बड़का खबर बर जुड़े ले जुड़े बर देखत रहो आईबीसी 24। नमस्कार, जय जोहर। मोहन सरकार का मानना है कि गाय पालना पवित्र काम है और गाय पालन के महत्व को गौपालक ही सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के आम लोगों से पर्याप्त जगह होने पर गाय जरूर पालने की अपील की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौवंश संरक्षण को लेकर मोहन सरकार कितनी संवेदनशील है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने अधूरी गौशालाओं के निर्माण और नई गौशालाओं बनाने के निर्देश के साथ ही प्रदेश में चरनोई की भूमि पर कावेस अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे गौवंश को चारा उपलब्ध हो सके। साथ ही गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों पर सब्सिडी की व्यवस्था और नए साल को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने के निर्देश भी दिए हैं। कि गौशाला हमारे लिए परमात्मा की दया से हम काम कर रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अंतर्मन में झांक के देखो तो भारत के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्थापन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है, अदरवाइज जहां जहां जगह है हमारा अपना गोमाता से संबंध आना ही चाहिए। मोहन सरकार इंसानों की जरूरत का ध्यान तो रखती ही है, गायों के संरक्षण और संवर्धन में भी आगे है। राज्य में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत गौशालाएं बनाई जा रही हैं। गौशालाओं में गायों को दिए जाने वाले आहार की दर को बढ़ाया गया है। सरकार ने गौशालाओं में गौवंश के लिए बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला लिया है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना लागू की है। इस योजना के तहत 10 लाख का लोन दिया जाता है और खास बात ये है कि 7 साल तक लोन का ब्याज सरकार भरती है। वहीं सरकार ने सड़क पर गौवंश की वजह से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए टोल नाकों पर हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था भी की है, जो पशुओं को उठाकर नजदीक की गौशालाओं में छोड़ता है। इसी तरह पशु चिकित्सा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था भी की गई है। पशु पालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने, दुग्ध संघों को सहयोग के लिए जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और सहकारी दुग्ध समिति को प्रोत्साहित देने के निर्देश दिए हैं। जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे, ये सरकार ने पहला निर्णय किया और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ गौशाला बनवाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गो संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपये देते हैं तो कम से कम डबल तो कर ही दें आज अपने यहाँ, 20 के बजाय 40 रुपये देने की घोषणा कर। मोहन सरकार की गौशालाओं को लेकर उठाए गए कदमों का प्रदेश में असर दिखाई देने लगा है। हरदा में दयोदय गौशाला में 370 गायों के लिए कूलर और पंखे के साथ AC लगाए गए हैं। साथ ही घायल गायों के लिए ICU वार्ड भी बनाया गया है। ऐसा ही उत्साह बैतूल, नर्मदापुरम और सिंगरौली में भी नजर आ रहा है। यहाँ किसान गाय पालन के साथ ही दुग्ध उत्पादन कर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर 16 एकड़ जगह है, जिसमें कुछ में हम जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ में आम बगीचा लगा के रखा है, कुछ में नेपियर घास है, कुछ में जैविक सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और इस सभी फसलों में हम सिर्फ यहाँ का केचुआ खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और गोबर का खाद उपयोग करते हैं। गौवंश के साथ अटखेलियां करते हुए ये हरिद्वार के साधु संत हैं। ये ग्वालियर की गौशाला को संवारने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर की आदर्श गौशाला प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और यही वजह है कि यहाँ करीब 10,000 गौवंश की देखरेख साधु संतों के द्वारा ही होती है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ की कंडीशन बहुत ही बदतर था, यानी उसमें 2 से 2,500 गाय थी और मरने की संख्या, तो जब रहने के ही नहीं था तो संरक्षण की कोई बात नहीं। जब हम संतों का आगमन हुआ यहाँ पे तो धीरे धीरे इस गौशाला की संवर्धन होती गई गाय, और आज दुधारू हैं, वैसे सांड भी तैयार किए हुए हैं, बच्चे भी तैयार हुए हैं।
तो काफी वक्त लगा, 6 साल लगा इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो आज सबसे बड़ी गौशाला बनी है एमपी। राज्य में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार लगातार गौ संवर्धन की दिशा में काम कर रही है, जिससे सीधे तौर पर बहुत सारे बदलाव गौपालकों और गौशालाओं में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता से राज्य में गौ संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कामों से गौवंश का भविष्य संवर रहा है।